स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि कंसोलिडेशन क्या है, चकबंदी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये किन लैंड्स पर अप्लाई होती है और किन लैंड्स पर नहीं अप्लाई होती। तो आइए शुरू स्टार्ट करते हैं। यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 4 मार्च 1954। आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स गवर्नर टू विदहोल्ड ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 गवर्नर को, राज्यपाल को ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए अपने पास रोक सकता है, और जब उस बिल पर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी तभी वो बिल इनैक्ट होगा, तभी वो एक्ट बन पाएगा। तो ये जो यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट है, इसको गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रिजर्व किया गया था, और इस पे प्रेसिडेंट की असेंट 4 मार्च 1954 को मिली। तो ये जो इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है वो 4 मार्च 1954 है, और इट वाज पब्लिश्ड इन यूपी गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन 8 मार्च 1954, और ये 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश के राजपत्र में पब्लिश हुआ। इस एक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय हैं, टोटल 54 सेक्शंस हैं, 54 धाराएं हैं, और इस एक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वह टू प्रोवाइड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में बताया गया है, वो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स का जो कृषि जोत हैं उनका कंसोलिडेशन है, उनकी चकबंदी करना है, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए प्रोविजंस बनाने हैं, खेती की, कृषि की उन्नति के लिए प्रोविजंस बनाने हैं। तो कंसोलिडेशन करता क्या है, जो किसानों की ज़मीन इधर उधर बिखरी हुई है उसको लाके एक जगह पर कर देता है, तो इससे जो है उस पर कृषि करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोविजन बनाता है। आइए समझते हैं कंसोलिडेशन की मीनिंग क्या है। लैंड कंसोलिडेशन इज प्लान्ड रीएडजस्टमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड पार्सल्स एंड देयर ओनरशिप। लैंड कंसोलिडेशन, जो भूमि की चकबंदी है, वो जो विभिन्न भूस्वामियों के जो भूमि के टुकड़े हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको प्लान्ड वे में एक नियोजित तरीके से रीएडजस्ट करना, मतलब एक उनमें समन्वय बैठाना और उनका रीअरेंजमेंट करना, ये कंसोलिडेशन है। मतलब ये है कि जो विभिन्न लोगों की भूमियाँ इधर उधर बिखरी हुई, जैसे ए के पास अगर 4 खेत हैं तो उसके 4 खेत इधर उधर बिखरे हुए हैं, बी के पास 5 खेत हैं तो उसके 5 खेत इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनके मतलब उनके बीच में पर्याप्त दूरी। इसी तरीके से जितने भी भूस्वामी किसी लोकल एरिया में हैं उन सभी के पास अगर मोर देन 1 प्लाट्स है तो वो सभी एक पास ना होकर के बल्कि अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। तो इन विभिन्न भूस्वामियों के जो प्लाट्स हैं उनको इस तरीके से रीअरेंज कर देना कि वो सभी पास हो जाएं, इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन या चकबंदी। इट इज यूजुअली अप्लाइड टू फाइंड लार्जर एंड मोर रेशनल लैंड होल्डिंग्स। ये चकबंदी की क्यों जाती है, तो ये लार्जर लैंड लैंड होल्डिंग्स क्रिएट करने के लिए की जाती है, जो लोगों के छोटी छोटी जोते हैं, जो छोटे छोटे खेत उधर उधर बिखरे हुए हैं उनको ला करके एक यहाँ पर कर देना है, और मोर रेशनल लैंड होल्डिंग्स बनाना है, मतलब अधिक तार्किक नियोजन करना है। जो किसी एक व्यक्ति के 4 खेत इधर उधर बिखरे हैं तो उनको इस तरीके से पास लाना कि वो अधिक तार्किक रूप से इकट्ठे हो सके, मतलब उन पे खेती करना ज़्यादा आसान हो सके, इस तरीके से उनको पास ला देना, ये कंसोलिडेशन का ऑब्जेक्ट है। कंसोलिडेशन को यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के सेक्शन 3 के क्लास 2 में डिफाइन किया गया है, और ये कहता है कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स इन ए यूनिट अमंगस्ट सेवरल टेन्योर होल्डर्स इन सच ए वे
एज टू मेक देयर रिस्पेक्टिव होल्डिंग्स मोर कॉम्पैक्ट। विभिन्न भूस्वामियों की जो जोते इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको इस तरीके से इकट्ठा कर देना कि ज़्यादा घने रूप में वो एक दूसरे के पास आ सके, मतलब जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको एक जगह पर ला के इकट्ठा कर देना, यही प्रक्रिया कंसोलिडेशन या चकबंदी कहलाती है। ये कहता है सेक्शन 3 का क्लास 2। अब इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि चकबंदी किन जोतों पर नहीं लागू होती है, कहाँ कहाँ चकबंदी क्रियाओं का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो सेक्शन 3 के 2 का जो प्रोविजो है वो कुछ लैंड्स को होल्डिंग की डिफिनीशन से बाहर रहता है, कुछ होल्डिंग डज नॉट इंक्लूड, ये प्रोवाइड करता है कि कुछ लैंड्स, कुछ तरह की भूमियाँ ऐसी हैं जो होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आती हैं, और चूंकि वो होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आती हैं इसलिए उन पे चकबंदी से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं लागू होते। इनमें पहला है ग्रोव लैंड, बाग भूमि। जिस एग्रीकल्चरल ईयर में एक चकबंदी हो रही है, अगर उस एग्रीकल्चरल ईयर का जो प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर है उसमें कोई भूमि बाग भूमि के रूप में दर्ज है, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उस पे जमीन का नेचर भी लिखा होता है, भूमि का नेचर भी लिखा होता है, तो अगर कोई भूमि लैंड रिकॉर्ड्स में प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर के लैंड रिकॉर्ड्स में बाग भूमि के रूप में दर्ज है, अगर वो बाग के रूप में दर्ज है तो उस पे जो है वो चकबंदी लागू नहीं होती क्योंकि वो होल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। दूसरा है लैंड सब्जेक्ट टू फ्लूवियल एक्शन एंड इंटेंसिव सॉइल इरोजन। ऐसी भूमि जिस पर बार बार बाढ़ आ जाती हो या जिस पर बार बार कटाव होता हो वो भूमि भी होल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी और उस पर चकबंदी नहीं लागू होगी। लैंड मेंशन्ड इन सेक्शन 132 ऑफ UPJDA एंड LR एक्ट 1950। UPJDA एंड LR एक्ट 1950 का सेक्शन 132 कुछ ऐसी भूमियों का उल्लेख करता है जिनमें भूमिधरी राइट नहीं हो सकता, मतलब जिसमें किसी कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं हो सकती। तो ऐसी भूमियां जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 132 में जिनका उल्लेख कर दिया गया है उन पर भी चकबंदी क्रियाएं लागू नहीं होती। फोर्थ है लैंड सब्जेक्ट टू प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग्स। ऐसी भूमि जिस पर एक लंबे समय तक जल जमाव रहता है, जिस पर लंबे समय तक पानी भरा रहता है वो भी होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आती है। ऊसर खलार एंड रिहाला प्लाट्स भी होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। लैंड इन यूज फॉर ग्रोइंग पान रोज बेला जैस्मिन एंड केवड़ा। ऐसी भूमि जिस पर पान की गुलाब की चमेली की केवड़ा की या बेला की खेती होती है वो भी होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आती है। अदर अनसुटेबल एरियाज डिक्लेयर्ड बाई डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। इसके अलावा अगर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन किसी अदर एरिया को डिक्लेयर कर देता है कि इट इज अनफिट फॉर कंसोलिडेशन, ये चकबंदी के लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो वो भी होल्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आएगा और उस पर चकबंदी से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे, वो चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं ला आएगा। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।